कोरोना के दौरान जो करफ्यू चल रहा है लुधियाने के ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਫੇਕ ਜਿਹੜੀ WhatsApp ਮੈਸੇजेस ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ Facebook ਪੋਸਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ WhatsApp ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ पता लग जाता है मैसेज का उसनों तुसी फॉरवर्ड ना करो जे तुहानू उसकी ऑथेंटिसिटी पता करनी है तुसी अपना पुलिस का कंट्रोल रूम नंबर है 112 उस नंबर पर तुसी डायल करो वो तुहाडी रिकॉर्ड वो सारा कुछ तुहाडे तो पुछणगे एंड उस तो बाद वो पुलिस तुहानू कॉन्टैक्ट करेगी उसकी वेरीफिकेशन करांगे असी न्यूज़ की एंड जे वो न्यूज़ कोई भी जिस हिसाब नाल कार्रवाई करनी होगी पुलिस नू वो कार्रवाई करेगी हुण जिदा कल एक मैसेज आया कि जी कोई फला कोई अपनी ब्रैड की फैक्ट्री है उहदे विच कोई कोरोना वाला पेशेंट हो सकता है कोई वर्कर कोरोना दे नाल इस करके एक समाज दे विच दहशत का माहौल पैदा हो जाता है जदों उसकी असी वेरीफिकेशन की पता लग्या कि वह न्यूज़ बिल्कुल ही फेक है वैसे ही किसी ने WhatsApp ते किसी नूं वैसे ही बदनाम करन की खातिर वह न्यूज़ चलाई सी इस करके इन्हां फेक न्यूज़ का अपना आपां नूं गुरेज करना चाहिए इन्हां नूं फॉरवर्ड करन तो पहला एंड फेक न्यूज़ करके असी लुधियाने दे विच हुण तक 6 FIR दर्ज कर चुके हैं एंड अदरवाइज करफ्यू की वायोलेशन की जे गल करिए 344 FIR हुण तक लुधियाने दे विच दर्ज हुई हैं जिहदे विच 606 बंदे असी अरैसट किए हैं इस तो अलावा तकरीबन 13,000 के करीब जिहड़े करफ्यू वायोलेटर हैं उन्हां नूं असी ओपन जेल दे विच भेजा है जिन्हां नूं कि फिर वेरीफिकेशन तो बाद माफ़ी मंगवा के उन्हां नूं छड्डिया सी ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਪਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਉਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ एंड जिहड़ी कोई सोशल मीडिया क्योंकि पब्लिक हुण घरां दे विच होण करके थोड़ी जी फ्री भी हो गई है वह सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ कर रही है एंड कई बार वह बिना वेरीफाई किए चीज़ नूं फॉरवर्ड कर देंगे ये नहीं रियलाइज़ करते कि उसका कितना इंपैक्ट किसी दूजे की लाइफ से पै सकता है तो इस चीज़ तो गुरेज करन ते मैनूं पूर्ण उम्मीद है कि आपां इस कोरोना की जिहड़ी जंग है पब्लिक के सहयोग नाल इसनूं असीं छेती ही जित लेना है थोड़ी जी दिन की गल और रह गई है थोड़ा जिहा संयम रखन ते पुलिस प्रशासन का साथ देना।